पालघर लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह वह लोग हैं जिन्होंने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को विजय शिखर तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगातार प्रचार प्रसार किया है और लगातार हर वह नीति और रणनीति का उपयोग करके कहीं ना कहीं सकारात्मक माहौल बनाया है। हमारे समय कल्याणी किरण पाटिल मौजूद है जो शिवसेना उद्धव गट की स्थानीय पदाधिकारी है। आज हमसे पूछिए किस तरह का यह चुनाव माहौल रहा, किस तरह की रणनीति का उपयोग किया गया और जीत के प्रति कितनी संभावित है। लगातार सारे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं कल्याण किरण मैडम। मैडम जी, चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है, जो लगातार जो माहौल रहा उठा पटक की राजनीति रही, सियासी घमासान रहा, वो सब तो समाप्त हो चुका है। कल 20 तारीख को वोटिंग है, असली परीक्षा कल, क्या कहना चाहते? जय महाराष्ट्र। महाविकास आघाड़ी का प्रचार चल रहा था, आपने देखा लगातार एक 40 दिन के ऊपर हो गए महाविकास आघाड़ी का प्रचार चल रहा था। सबसे पहले पालघर लोकसभा में एक महिला को उम्मीदवार दी गई महाविकास आघाड़ी में, और पालघर जिले में महिलाओं का सम्मान हुआ वो आपने देखा। 40 दिन हम प्रचार कर रहे थे, हमारा हर एक पदाधिकारी, हमारे महाविकास आघाड़ी का हर एक सैनिक काम कर रहा था, और आज उसका प्रचार का कल का आखिरी दिन था, और आज चुनाव कल है और आज हम बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आज भी बच्चे शांत नहीं है, महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी शांत नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। माहौल कैसा है, जीत के प्रति कितने संभावित? 100% 100% 100% मैं बोलूंगी कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर टक्कर देती हुई कौन सी पार्टी सामने आई? टक्कर देती हुई पार्टी तो कोई नजर नहीं आई, पर है बी टीम जो एक दूसरे के लिए काम कर रही है। जैसे आप बात करोगे कि बहुजन विकास आघाड़ी है जो बीजेपी के लिए एक बी टीम बन के काम कर रही है, हमारे मुस्लिम जो समाज है, हमारा अल्पसंख्यक विभाग है, उनको अपनी तरफ लेने के लिए झूठे कसमे वादे खा रही है, तो वो अभी कुछ काम करने वाला नहीं है। बड़ा आरोप लगा रहे हो बहुजन विकास आघाड़ी पे? मैं आरोप नहीं लगा रही, जो मेरे लोगों को बहका जा रहा है मैं आपको बता रही, मैं आरोप नहीं लगा रही। आरोप क्या लगाना, जो है वो लोग अपने लोग है, हमारे लोग है, हमारे पास आके बोलते है, तो एक चीज है कि एक बात है कि हमारे लोग अभी एक बोलते ना झूठी कसमों वादों को बोलने वाले में नहीं है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि किसी धर्म को लेके हम कमेंट कर भी नहीं रहे, या किसी पार्टी को या पक्ष को लेके, हम तो यही बोल रहे कि हमको राम मंदिर भी चाहिए, हमको मस्जिद भी चाहिए, पर हमने बोला ना कि उसके पहले हमको स्कूल दो, हमको हॉस्पिटल्स दो, तो हम खुश है। हम ऐसा तो थोड़ी बोला कि मंदिर मत दो, मस्जिद मत दो, दो, पर हमारे हमारे लोगों की तो, अल्पसंख्यक विभाग की तो एक आपने देखा होगा कि इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि हम तो जीते जीते हमारे कोई सुनता नहीं है, मरने के बाद हमको कब्रिस्तान भी नहीं है। ये तो वसुविरा महानगर पालिका या पालघर लोकसभा की एक अल्पसंख्यक विभाग की मांग है, जो सत्ता में रह के भी इतने साल से लोग पूरी नहीं कर पा रहे, तो मैं वो बात पे ध्यान रखूंगी। जो हमारा महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आता है, तो हम इस बात पे ध्यान रखेंगे कि जैसे जब हम बोलते हैं कि हमारे हर धर्म समभाव जो बोलते हैं वो हमारे कार्य से दिख जाएगा लोगों को कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने खुल करके कहा है कि अगर हम जीत जाते हैं, जैसे तुमने दावा किया कि हम ही जीत रहे हैं, तो हम किसी भी हालत में हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इन जो वर्तमान परिस्थिति है लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहना चाहते? कहने से अच्छा आप 4 जून को देखना हमारी महाविकास आघाड़ी जिस तरह से गुलाल उड़ाएगी, वो हमारा जवाब होगा उन सबके लिए कि लोगों ने हम पे विश्वास रखा है। हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार पर जो एक महिला है, जो सुशिक्षित महिला है, जिनपे लोग बोलते हैं कि हम उनको जानते नहीं है, हम पहचानते नहीं है, वो 4 जून को आपको पता चलेगा कि असलियत में लोगों ने किसको अपनाया है, किसको ठुकराया। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता इस समय पालघर निर्वाचन क्षेत्र में आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जीत तो मायूती के उम्मीदवार की है। आपने कहावत सुनी है, जब शेर आता है तो सब दौड़ने लगते हैं, तो यही है कि हमारा शेर आ रहा है और सबकी बोलते ना छुट्टी होने वाली है, तो उसी तरह से अभी आने तो कोई भी, आपने देखा कि लास्ट दिन तक बड़े बड़े नेते महारथी इधर आए और हमारे उद्धव साहब आए,
तो आपने फर्क देखा होगा, आपने उसमें देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी की जो सभा हुई वो एक ऐसा मतलब किसने सोचा भी नहीं था कि एक महिला उम्मीदवार को कोई इतना प्रोत्साहन करेगा या इसको इतना एक्सेप्ट करेगी जनता, जो आपने देखा है। तो कोई आए गए आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कौन आया और कौन गया? महाविकास की जो उम्मीदवार है महिला, उसके प्रति क्या महिलाओं में कुछ समर्थन, कुछ सहानुभूति, इस तरह कोई माहौल नजर आ रहा है आपको? हाँ, वो है। जो आपने देखा होगा कि विपक्ष पार्टी के जो उम्मीदवार है, जो एक पुरुष दिए गए, और जो महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार है, और पालघर लोकसभा में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को किसी ने उम्मीदवारी दी है, वो है अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे, हमारे महाविकास आघाड़ी के सब पदाधिकारी जो बड़े हमारे अध्यक्ष है सब पार्टियों के, उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और महिलाओं में उसी वही खुशी है कि एक महिला का सम्मान उन्होंने अपने कार्य से दिखाया, महाविकास ने अपने कार्य से दिखा रही है। कागज पत्र नहीं रखा है, किसी ने बोल के नहीं बोला और ना किसी ने वादों में बोला, जिसने करके दिखाया कि एक महिला को उम्मीदवारी दी है। तो है, हम खुश है, मैं एक महिला हूँ, मैं खुश हूँ। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बेबाक होकर के कहा है कि महिला होने के नाते भी महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार भारती कांबळे को भी समर्थन मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, सहानुभूति मिल सकती है, जीत का 100% दावा किया गया। वहीं ये सारी जो परिस्थिति है उस सब का जो जवाब वो 4 जून को मिलना ही तय माना जा रहा है। तब तक राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी।